हमने देखा किस प्रकार से कई कई ने मंत्रा के मन को कलुषित करना शुरू किया। कल हमने देखा था कई सारी चीजें जो मंथरा और कई कई के बीच में हुई। कई कई राजी नहीं थी मंत्रा के व्यू पॉइंट को देखने के लिए। अपने व्यू पॉइंट को समझाने के लिए मंत्रा और ज्यादा जहर उगलने लगी। वो कहने लगी, कई कई वो समय की बात है कि तुम कौशल्या की सबसे चुनिंदा और खास मेड सर्वेंट या दासी बन जाओगी और भरत जो है वो राम का खास या चुनिंदा दास बन जाएगा जीवन भर के लिए। कई कई ने कहा, मंथरा इस तरीके से आग उगलना बंद करो। मैं अच्छी तरह से राम को जानती हूँ। राम की परवरिश होते हुए मैंने देखी है। राम की क्वालिटीज को, राम के गुणों को, राम के अपने भाइयों के प्रति प्रेम को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कई कई तो इतना आगे गई कि वो कहने लगी कि अगर तुम्हारे अलावा किसी ने ये कहा होता तो मैं इसी क्षण उसकी जबान काट देती या कटवाने के लिए कहती। केवल तुम मेरे मायके से आई हो और मेरे साथ इतने लंबे समय तक रही हो। कई कई गाली देती है मंथरा को, एक उपजा कुबड़ी तुझे पता नहीं। वही कुबड़ी जब राम ने इंगित किया था बाण के साथ में, उसका बदला कई कई अब ले, सॉरी उसका बदला मंथरा अब ले रही थी। कई कई के भी मुंह से अपने प्रति इस तरह से रवैया देख करके मंथरा को और ज्यादा दुख हुआ और ज्यादा उसके मन में चुभा कि somehow the chance I am getting to even myself with Ram is slipping from my hands. She became very disturbed. She became quite angry. हमने देखा था पहले ही उन्होंने अपनी माला के मणि खोल करके जमीन पर फेंक दिए थे। मंत्रा कहने लगी कि अरे मेरी रानी बताओ, अगर दशरथ महाराज सही में इतना प्रेम करते हैं भरत से, सब अपने बच्चों को समान रूप से देखते हैं, तो अभी जब भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हैं, अश्वपति के पास गए हैं, तो फिर अभी की अभी क्यों करने की जरूरत है राज्याभिषेक। मंत्रा कहने लगी, एक्चुअली If there is some competition to Ram, it is only Bharat. Age में भी राम के बाद भरत है, just very very close. और उस राम ने तो अपने चालू मीठे मीठे बोलने से लक्ष्मण को अपने पक्ष में कर लिया। शत्रुघ्न तो गिनती में ही एन नहीं आता, वो तो लिंबू टिंबू है। और भरत बहुत सीधा साधा है, क्यों ना हो, तुम्हारा ही बेटा है, तो उसको को समझ में ही नहीं आता। दशरथ महाराज इतने चालू हैं, उन्होंने अपने सारे रास्ते के रोड़े अटका करके किसी रोड़े को अटकने नहीं दिया, हर रोड़ा अपनी जगह पे फिक्स है। और अब वो कौशल्या को अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। सो शी स्टार्टेड प्लेइंग द पटरानी गेम। कहीं कहीं वो स्टिल नॉट कन्विंस्ड। कहीं कहीं कहने लगी कि अरे मैं जानती हूं राम को, राम तो अपने आप, मैं कहती हूँ मार्क माय वर्ड्स मंत्रा, काफी समय तक राज्य करने के बाद राम अपने आप स्व खुशी से राज्य भरत को दे देंगे। आई नो राम वेरी वेल। कई कई कहने लगी, माय डियर सॉरी मंत्रा कहने लगी, माय डियर कई कई, किंगशिप इज ऑलवेज ऑलवेज गिवन फॉर अ लाइफ टाइम। वो सिलेक्शन और इलेक्शन की बात होती ही नहीं है कि इतने समय के बाद फिर से देखेंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है, हाउ इज वन फेयरिंग। और अगर आप कहते हो कि ओ राम बाय डिफॉल्ट बनेगा क्योंकि वो सबसे बड़ा है, फेके ने वो भी कहा कि अगर मैं चाहती भी हूं तो भी मैं राम का राज्याभिषेक नहीं रोक सकती क्योंकि चारों भाइयों में सबसे बड़ा राम है। तो नेचुरली सूर्य वंश की परंपरा के साथ जो भी सबसे बड़ा व्यक्ति उस वंश का वहां रहता है वही राजा बनता है। तो मैं चाह करके भी भरत को राज्य नहीं दे सकती और मुझे भरत को राज्य देने की जरूरत भी नहीं है। आई एम कन्विंस्ड ऑफ दिस। वो कहने लगी मंथरा,
मंत्रा कहने लगी कि देखो मालकिन, राज्य तो पूरे जीवन भर के लिए आता है। जैसे ही राम राजा बनेंगे वो जीवन भर के लिए बनेंगे, फिर उसकी पत्नी वो जीवन भर के लिए रानी बनेगी। भरत की पत्नी और भरत जीवन भर के लिए दास और दासी रहेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, वंस राम बिकम्स किंग, रामास प्रोजेनीज विल इनहेरिट द किंगडम, एंड व्हाट विल भरतास प्रोजेनीज इनहेरिट, उनके वंश क्या, केवल चिरंतन दासत्व ही स्वीकार करेंगे। अभी भी तुम क्या नहीं समझ रही हो क्या हो रहा है, तुमको दासत्व के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, भरत को दासत्व के अलावा कुछ नहीं मिलेगा जीवन भर। सो कई कई मंथरा के मन में एक ऐसा वृक्ष भर रही थी जिसका कोई इलाज नहीं था, और वो विष जो है वो धीरे 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 चढ़ने लगा, वो अपना असर दिखाने लगा। कई कई धीरे 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 नीली पड़ती गई। मंथरा कहती है कि हे कई कई, कृपया मैं हाथ जोड़ती हूं, मेरी तीन बातें मान लो। एक, पहली बात जो है वो तुम्हें बचाएगी, दूसरी बात तुम्हारे बेटे को बचाएगी, और तीसरी बात तुम्हारे पिता को बचाएगी। ऐसा कह करके मंथरा कई कई के पास गई धीरे बोलने के लिए। क्या तीन बातें बोली उन्होंने, ये हम देखेंगे। बने रहिए। अरे बस।